उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से सदर विधानसभा सीट से विधायक अदिति सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी क्यों बना ली है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर कई तरह की बातें कही है। अदिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों पर भी सवाल उठाए हैं। इंटरव्यू के दौरान अदिति से पूछा गया कि प्रियंका गांधी इस चुनाव में महिलाओं को लेकर आगे बढ़ाना चाहती हैं, ऐसे में आप एक युवा महिला नेता होने के बावजूद भी पार्टी छोड़ दी, क्या उनकी पॉलिसी सही दिशा में नहीं जा रही है। अदिति ने जवाब दिया है कि अगर इन चीज़ों को लेकर यह गंभीर होते हुए तो इन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया या पंजाब में क्यों नहीं लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि इन सब के जरिए प्रियंका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगा पाएगी। क्या आपकी वहां पर सुनवाई नहीं थी? इसके जवाब में अदिति ने कहा है कि अगर कहीं पर आपकी सुनवाई हो भी जाए तो उस पर मंथन ना किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसके साथ अदिति ने बताया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा है कि रायबरेली सीट से थी इसलिए मेरी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुलाकात नहीं की जाती थी। उन्होंने बताया है कि मेरी तो सुनवाई होती थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। प्रियंका गांधी के साथ उनकी कुछ पर्सनल असहमति थी और अदिति ने कहा है कि मेरी उनसे कोई पर्सनल असहमति नहीं थी, हमारे बीच प्रोफेशनल बातों को लेकर असहमति थी। मैंने कई बार अपनी बातों को उन तक पहुंचाया, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।